तो लो जी, आज फिर से मैं गार्निश वाला केक आप लोग के लिए ले आया हूँ, ठीक है, बना करके। और बाकी कुछ इसमें मोल्ड भी यूज़ करूँगा, और बाकी तो शीट पर कहीं चॉकलेट बना करके पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्या डिज़ाइन है वो तो मैं दिखाऊंगा ही सही, लेकिन पहले जो केक पे हमें चॉकलेट बनाना रहता है ना, उसको पहले बना करके फ्रिज में रखना पड़ता है। अगर नहीं रखोगे, अगर तुरंत केक बनाने के बाद में चॉकलेट बनाओगे तो अच्छा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से चॉकलेट फर्स्ट बना करके रख दो, फिर टेंशन फ्री होकर के आप काम कर सकते हो। तो शीट पर जो हमें चॉकलेट बनाना था ना, उसको मैं डाल करके साइड में रख चुका हूँ, देख सकते हो। बाकी इसमें जो मोल्ड है ना, तो उसमें इसमें यो पत्ता वाला ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। पत्ता वाला चॉकलेट गार्निश मोल्ड शायद ऐसा लिखने से मिल जाएगा, मैं ट्राई नहीं किया, बस अपने आइडिया से बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों को चाहिए इसका लिंक तो बताना, मैं आपको निकाल करके दे दूंगा अमेजोन से, आप वहाँ से खरीद भी सकते हो अगर चाहिए तो। वैसे तो नॉर्मल जहाँ से बेकरी का सामान मंगाते हो ना, वहाँ तो लगभग मिल जाएगा। और अभी मैं नया एक चॉकलेट इसमें, नया क्या मतलब, ऐसा चॉकलेट अलग कुछ मतलब डिज़ाइन उसमें था राउंड राउंड का, तो बना रहा था तो मेरे से नहीं बन रहा था वो। क्यों? क्योंकि चॉकलेट ज़्यादा मेल्ट था, और अगर ज़्यादा टाइट कर रहा था तो भी नहीं आ रहा था, पता नहीं आता था पहले बहुत मस्त, लेकिन इस बार नहीं बना मेरे से। और बाकी जो शीट पर चॉकलेट डाला था ना, वो सिर्फ राउंड राउंड हमें कट करना था, जो कि साइड में हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको हम आइसिंग अच्छे से कर लेते हैं, देख सकते हैं। चॉकलेट क्रीम पर आइसिंग कर रहा हूँ, व्हाइट क्रीम में थोड़ा मैं जो ग्नाश रहता वो मिक्स कर देना, ऑटोमेटिक ये वाला कलर आपका फिर आ जाएगा चॉकलेट का, और फिर प्लस क्रीम में टेस्ट भी मस्त रहता है। और आज का भी जो केक बना रहा हूँ ना, कस्टमर भी फोटो लेकर के आया था, वो भी जो कि दिखाया था फोटो में, इसका भी ऐड करके नहीं दिखा पाया आप लोग को। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करता हूँ जब मैं फोटो लेता हूँ ना, तो जो मेरे को फोटो आया रहता है वो, और जो मैं बनाता हूँ उसका, दोनों का फोटो साथ में क्लिक करके आप लोग के साथ में पोस्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और ये वाला चॉकलेट केक मैं सोचा था अच्छा बनाऊंगा, ठीक है, अच्छा तो बना है, लेकिन यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया मेरे से, मतलब थोड़ा जल्दी सूख गया चॉकलेट, क्योंकि एसी सामने पे लगा रहता है और चलता रहता है, ठीक है। तो कूल था रूम और मेरा चॉकलेट थोड़ा कम गर्म था, मतलब थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता तो परफेक्ट आता था, इसलिए देख सकते हो कॉर्नर पे थोड़ा मतलब अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। उतना फिनिशिंग में नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए, लेकिन आप लोग बताना चलेगा ना, वैसे तो चल जाएगा कभी कभी, मतलब मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं भी हमेशा परफेक्ट ही बनाता हूँ। लेकिन डिज़ाइन करने के बाद में इसको मैं कवर कर दूंगा, उतना मालूम नहीं चल रहा था, ठीक है। फोटो फिर मैं देखा, मतलब पूरा कंप्लीट होने के बाद में ना, उतना समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट इसमें ड्रॉपिंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग देखना। और ये वाला जो शीट पर मैं चॉकलेट बनाया था, इसको मैं फ्रिज पर रख दिया, और ये इसको तोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें भी सोचा मैं कुछ अलग से इसका था, थोड़ा बहुत चॉकलेट तो डिज़ाइन दूंगा, लेकिन फिर शायद उसको यूज़ नहीं किया हूँ, पता नहीं, आगे देखता हूँ, क्योंकि मेरे को भी कंफर्म पता नहीं क्या इसमें किया हूँ। और ये जो मैं मोल्ड पे बनाया था, ये देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग में मस्त बन गया है। इसमें गोल्ड का थोड़ा बहुत ऐसा, आप चाहो तो ऐसा जो फ्लावर वाला डस्ट होता है ना गोल्ड का, वो भी डाल सकते हो, नहीं तो ऐसा लिक्विड करके और इस पर थोड़ा बहुत ऐसा छिड़क सकते हो, ठीक है, ऐसे फिंगर से हाथ से किसी से भी, तो देखने में अच्छा लगेगा। और बाकी देख सकते हो जो सीट पे मैं गार्निश बनाया था ना, उसको ऐसा ही नोजल लगा करके और साइड साइड से इसमें लगा दिया हूँ। और बाकी जो टूटा फूटा था ना, जो कि उसमें फ़ोटो में भी था, तो सेम ऐसा ही तोड़ फोड़ के उसमें रख दिया। और बाकी जो राउंड वाला निकाल रहा था ना, जो मैं बोल रहा था नहीं निकल रहा, वो भी देख सकते हो इधर सामने पे ही रखना था, तो वो भी रख दिया। और बाकी फिर व्हाइट टिज का मतलब जेल है, ठीक है, अगर जेल नहीं है व्हाइट का तो आप क्रीम से भी ऐसा डिज़ाइन दे सकते हो, देख सकते हो जो कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों फोटो पे सेम ऐसा ही था, ये देख सकते हो गोल्ड का मैं ऐसे ही ड्रॉप इसमें कर दिया हूँ, चिट छट के ऐसा बबल जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही था ये वाला केक में, कैसा बना कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं यही देखता हूँ कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है, इसलिए। और ये मेरा चॉकलेट 2 kg का केक था, जो कि इसका प्राइस 1400 था, ठीक है, हर एक जगह का अलग अलग प्राइस।